हेलो फ्रेंड्स, आप सबको इंडी स्ट्रीट किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी। ये खासकर बच्चों की रेसिपी है, उनको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने एक बाउल लिए हैं और मेजरमेंट से हमने ये 250 ग्राम हमने आटा लिए हैं, ये गेहूं का आटा हम लिए हैं। इसमें हम 2 स्पून हम सूजी ऐड कर रहे हैं। आप इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इससे सूजी से ये क्रिस्पी बनेगा। और अब स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, और ये जीरा 1/2 स्पून, और ये भुना हुआ जीरा है ये 1/4 स्पून हमने ऐड किए हैं। ये हींग हम 1 पिंच ऐड करेंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और ये अजवाइन है, इसको हम क्रश करके 1/2 स्पून ऐड कर रहे हैं। और हमने सुपर हेल्दी के लिए विटामिन ए गाजर, और ये टमाटर, और 2 हरी मिर्च, और ये शिमला मिर्च थोड़ा सा कट किए हैं, और ये फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा लिए। ये सबको हम ऐड करेंगे, इससे जो हमारा नाश्ता है सुपर हेल्दी बनेगा। अब थोड़ा सा स्पाइसी के लिए हम रेड पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब बच्चों के लिए बनाइएगा तो थोड़ा कम कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसका एक बेटर बनाएंगे। इसको एक बेटर बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। हमको एक परफेक्ट घोल तैयार करना है इसका। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट, जो बच्चों को खासकर बहुत पसंद आने वाली है। ये नाश्ता को हम 2 तरीका से आपको बना के दिखाएंगे, आपको जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप बनाइएगा। तो देखिए, इस तरह से हमको घोल तैयार करना है। इसको हम ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। देखिए, हमने एक तावा चढ़ाए हैं, उसमें हम ऑयल ग्रीस कर रहे हैं। अब हम नॉन स्टिक कढ़ाई लिए हैं। अब नहीं ऑयल ग्रीस करना है तो नहीं भी कर सकते। देखिए, हमने एक कलछी से एक कलछी हमने बैटर इसमें ऐड किए हैं। आपको जितना बड़ा या छोटा रखना उस हिसाब से बैटर ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे करके हम फैला लेंगे। इसी तरह से हम फैला लेते हैं पहले, और इस पे हल्का सा ब्राउनिश आ जाएगा, तब हम इसके किनारे, देखिए अभी नहीं ये पका है, देखिए एक साइड बिल्कुल सीख गया है। अब हम पलट के दूसरी साइड इसको सेक लेते हैं। तो हमने ये बनाए हैं तो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए, ये हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक हम बटर पेपर लिए हैं, एक प्लेट में इसको निकाल के रख लिए हैं। ये कितना इजी तरीका से बनके तैयार हो गया, ना आटा को हमको गूंथना पड़ा, ना ऑयल लगा, फ्री ऑयल में ही बन गया है। इसलिए हम इसका नाम दिए हैं सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता। अमेजिंग। अब देखिए, दूसरा तरीका से आपको हम बना के दिखा रहे हैं। उसी तरह से हम बैटर को कढ़ाई में डालेंगे,
और इसी तरह से हम फैला लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से फैला लिए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको पलट लेते हैं। अब इसको पकने में हमको 2 से 3 मिनट लगेगा। देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सेक लिए हैं। अब हम एक अंडा इसके ऊपर डालते हैं, इससे ये काफी हेल्दी बन जाएगा, प्रोटीन युक्त भी बन गया हमारा नाश्ता। अब ब्रेकफास्ट में खाने से भूख भी नहीं लगेगा। अब देखिए 1 मिनट तक ऐसे पकाएंगे, फिर हम 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो हम अंडा ऊपर से ऐड किए हैं ये अच्छे से कुक हो जाए। अब देखिए हमारा अंडा अच्छे से कुक हो गया है। देखिए ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है, हम आपको पास से दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से ये कुक हो गया है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए हम सर्व करके आपको दिखा रहे हैं कितना ये टेस्टी और ये सुपर हेल्दी नाश्ता बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।